मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमकट लगा हुआ है। मौका था कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामांकन रैली का। पहले मंदिर फिर अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मोती तबला पहुंचे। यहां एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, राज्य सांसद विवेक तनखा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है, देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है, देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी पनपे या बने रहे। अगर आप नहीं मानोगे और अघोषित इमरजेंसी को खत्म नहीं करोगे तो इस देश से विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा, आप एक सत्ता पक्ष रहेगा। जैसे रशिया में पुतिन साहब 97% वोट के साथ अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर 97% वोट के साथ मोदी जी बन जाएंगे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज घोटाले को उठाया। पिछले कई सालों से यह महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया, पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन, बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो, ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वह बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है उसे देखने से स्पष्ट है कि जनता के मन में कोई भी मोदी लहर नहीं है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है, वो प्रदेश के अंदर साथ ही जो पहले 19 राज्यों में चुनाव हुए प्रथम चरण के, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अंदर कोई मोदी लहर नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत इनका नारा है 400 पार का, जो 40 बैसाखियों पे पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो इनका समर्थन है 40 पार्टियों का, बैसाखियों पे 400 पार नहीं हो सकती। सर मंगलसूत्र का जो भाषण है काफी चर्चाओं में है, कितनी सच्चाई है, मेरे दोस्तों का आपके वो देखिए, ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस विधवा बहन का जो पुलवामा में न्याय के लिए भटक रही देश के अंदर, उसको न्याय कोर्ट से मिला, मोदी जी ने नहीं दिया, उसके मंगलसूत्र का क्या है। खैर लोकसभा चुनाव है तो आरोपों का दौर जारी रहेगा, लेकिन जनता के मन में कौन है इसका फैसला इसी लोकसभा चुनाव में हो जाएगा।